नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है संस्कारी पत्नी। हेमा अपना सारा काम खत्म करके बरामदे में खड़ी होकर अपना हाथ पोछ रही थी कि अपने बड़े भाई अविनाश को आंगन में प्रवेश करते देखकर वहीं ठगी सी खड़ी रह गई। सोनाली स्कूल गई हुई थी और विनोद नौकरी पर गया हुआ था। अविनाश ने बरामदे में पड़ी खाट पर बैठते हुए कहा, विनोद के लिए लड़की देख आया हूँ, लाखों में एक है, सीधा सच्चा परिवार है और पिता मास्टर हैं, लखीमपुर के रहने वाले हैं, वहीं उनका अपना मकान है। दहेज तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर लड़की बस यूँ समझ लो चांद का टुकड़ा है। शक्ल सूरत में ही नहीं, पढ़ाई में भी फर्स्ट क्लास है, अंग्रेजी में बीए पास है। तू बहुत दिनों से कह रही थी ना कि विनोद की शादी करा दो, बस अब चारपाई पर बैठी बैठी हुक्म चलाया करना। हेमा ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। 7 साल हो गए उसे विधवा हुए। 50 साल की उम्र में ही वह 65 साल की बुढ़िया दिखाई पड़ने लगी। कौन जानता था कि लालचंद अकस्मात यूं चल बसेंगे। वे एक प्रेस में काम करते थे। 15,000 रुपए सैलरी मिलती थी। मकान अपना होने के कारण घर का खर्चा किसी तरह चल जाता था। विनोद पढ़ाई में शुरू से ही होशियार नहीं था। 12वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुका था। पिता की मृत्यु के समय वह 18 साल का था। प्रेस के प्रबंधकों ने दया करके विनोद को 10,000 रुपये वेतन पर बाबू की नौकरी दे दी। पिछले 4 सालों से हेमा चाह रही थी कि कहीं विनोद का रिश्ता तय हो जाए। घर का कामकाज उसे ढंग से संभलता नहीं था। कहीं बातचीत चलती भी तो रिश्तेदार अड़ंगा डाल देते या पास पड़ोसी रही सही कसर पूरी कर देते। लालचंद की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों का आना जाना बहुत कम हो गया था। हेमा के बड़े भाई अविनाश साल में एकाध बार आकर उसका हालचाल पूछ जाते। पिछली बार जब वे आए तो हेमा ने रुआंसे गले से कहा था, विनोद की शादी में इतनी देर हो रही है तो सोनाली को तो शायद कुंवारी ही बिठाए रखना पड़ेगा। अविनाश ने तभी से गांठ बांध ली थी, जहां भी जाते ध्यान रखते। लखीमपुर में मास्टर तेज प्रताप ने जब दहेज के अभाव में अपनी कन्या के लिए वर न मिल पाने की बात कही तो अविनाश ने विनोद की बात छेड़ दी। छेड़ क्या दी, अपनी ओर से वे लगभग तय ही करके आए थे। हेमा बोली, भाई दहेज ही तो कोई बात नहीं। विनोद के पिता तो दहेज के सदा खिलाफ थे, पर अपना विनोद तो कुल मैट्रिक पास है। अविनाश ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, पर अब अपनी बात रखते हुए बोले, पढ़ाई का क्या है, नौकरी आजकल किसे मिलती है, अच्छे अच्छे डबल एमए जूते चटकाते फिरते हैं, फिर शक्ल सूरत में हमारा विनोद कौन सा अनपढ़ लगता है। एक दिन हेमा अविनाश के साथ विनोद और सोनाली को लेकर लड़की देखने लखीमपुर पहुंची। लड़की वास्तव में हीरा थी। हेमा की तो उस पर नज़र ही नहीं ठहरती थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, गोरा रंग, छरहरा शरीर, सरल स्वभाव और मृदुभाषी। जलपान और इधर उधर की बातों के बाद लड़की वाले विनोद के परिवार वालों को आपस में सलाह मशवरे का मौका देने के लिए एक एक करके खिसक गए। विनोद घर से सोच कर चला था कि लड़की में कोई न कोई कमी निकाल कर मना कर दूंगा। एमए पास लड़की से विवाह करने में वह हिचकिचा रहा था, पर ऋचा को देखकर तो उसे स्वयं से ईर्ष्या होने लगी। सोनाली का मन कह रहा था कि चट मंगनी पेट ब्याह करा के भाभी को अभी अपने साथ गोंडा ले चलते हैं। हेमा को भी कहीं कोई कसर नहीं दिखाई दी, पर वह सोच रही थी कि यह लड़की घर के कामकाज में उसका हाथ क्या बटा पाएगी। अविनाश ने जब प्रश्नवाचक दृष्टि से हेमा की ओर देखा तो वह सहज होती हुई बोली, भाई इन लोगों से भी तो पूछ लो कि उन्हें लड़का भी पसंद है या नहीं, विनोद की पढ़ाई के बारे में भी बता दो, बाद में कोई यह न कहे कि हमें धोखे में रखा। अविनाश उठकर भीतर गए। वहां लड़के के संबंध में ही बात हो रही थी। लड़का सबको पसंद था, ऋचा की भी मौन स्वीकृति थी। अविनाश ने जब विनोद की पढ़ाई का उल्लेख किया तो तेज प्रताप के मुख से एकदम निकला, ऐसा लगता तो नहीं, फिर अपना निर्णय देते हुए बोले, मेरे कितने ही एमए पास विद्यार्थी कई कई साल से बेकार हैं, चपरासी तक की नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके हैं,
पर अधिक पढ़े लिखे होने के कारण वहाँ से भी कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता। ऋचा की माँ को भी कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, ऋचा के मुख पर पल भर को सिकन अवश्य आई, पर फिर तत्काल ही वह बोल उठी, जैसा तुम ठीक समझो माँ। शायद उसे अपने परिवार की सीमाएं ज्ञात थी और वह हल होती हुई समस्या को फिर से मुश्किल पहेली नहीं बनाना चाहती थी। अविनाश के साथ तेज प्रताप भी बाहर आ गए। समधिन से बोले, आपने क्या फैसला किया? हेमा बोली, लड़की तो आपकी हीरा है, पर उसके योग्य राज मुकुट तो हमारे पास है ही नहीं। तेज प्रताप गदगद होते हुए बोले, गुदड़ी में ही लाल सुरक्षित रहता है। हेमा ने बाजार से मिठाई और नारियल मंगाकर ऋचा की गोद भर दी। अपनी उंगली में से एक नई अंगूठी निकालकर ऋचा की उंगली में पहना दी और रिश्ता पक्का हो गया। 4 महीने के बाद उनका विवाह हो गया। मास्टर जी ने बारातियों की खातिरदारी बहुत अच्छी की थी। ऋचा को भी उन्होंने गृहस्थी की सभी आवश्यक वस्तुएं दी थी। शादी के बाद ऋचा 1 सप्ताह ससुराल में रही। बड़े आनंद में समय बीता। सबने उसे हाथों हाथ लिया, जो देखता प्रभावित हो जाता। अपनी इतनी प्रशंसा ऋचा ने पूरे जीवन में नहीं सुनी थी, पर एक ही बात उसे अखरी थी, विनोद का उसके सम्मुख निरीह बने रहना, हर बात में संकोच करना और सकुचाना। अधिकार पूर्वक वह कुछ कहता ही नहीं था। समर्पण की बेला में उसने ही जैसे स्वयं को लुटा दिया था। विनोद तो हर बात में आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता था। पत्नी से कम पड़ा होने से विनोद में इन दिनों एक हीन भावना घेर गई थी। हर बात में उसे लगता कि कहीं यह उसका गंवारापन न समझा जाए। वह बहुत कम बोलता और खोया खोया सा रहता। 1 महीने बाद जब ऋचा दोबारा ससुराल आई तो विवाह की धूमधाम समाप्त हो चुकी थी। इसी बीच तमाशा देखने के शौकीन हेमा और विनोद के कानों में सैकड़ों तरह की बातें फूंक चुके थे। हेमा से किसी ने कहा, बहू की सुंदरता को चाटोगी क्या? पढ़ी लिखी तो है, पर फली भी नहीं फोड़ने देगी। कोई बोला, कल ही पति को लेकर अलग हो जाएगी, वह क्या तेरी चाकरी करेगी? किसी ने कहा, पढ़ी लिखी लड़कियां घर के काम से मतलब नहीं रखती, इनसे तो बस फैशन और सिनेमा की बातें करा लो, तुम माँ बेटी खटना करना। किसी ने टिप्पणी की, तुम तो बस रूप पर रीझ गई, नगदी के नाम क्या मिला ठेंगा, कल को तुम्हें भी सोनाली के हाथ पीले करने हैं। किसी ने कहा, विनोद को समझा देना, तनख्वाह तुम्हारे ही हाथ पर ला कर रखे। किसी ने सलाह दी, बहू को शुरू से ही रोब में रखना, हमारी तुम्हारी जैसी बहुएं अब नहीं आती, खेली खाई होती हैं। गरज यह है कि जितने मुंह उतने ही बातें। पड़ोसियों और सहेलियों ने न जाने कहां कहां के झूठे सच्चे किस्से सुनाकर हेमा को जैसे महाभारत के लिए तैयार कर दिया था। वह भी सोचने लगी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं लेनी चाहिए थी। उधर विनोद कुछ तो स्वयं हीन भावना से ग्रस्त था। कुछ साथियों ने फिकरे कसकस करके परेशान कर दिया। कोई कहता, मियाँ तुम्हें तो हिज्जे करके बोलना पड़ता होगा। कोई कहता, भाई सूरत ही सूरत है या सीरत भी है। कोई कहता, अजी शर्म हया तो सब कॉलेज की पढ़ाई में विदा हो जाती है, वह तो विनोद को भी चौराहे पर बेच आएगी। दूसरा कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कान में फुसफुसाया, यार हाथ भी रखने देती है कि नहीं। ऋचा जब दोबारा ससुराल आई तो माँ बेटे किसी अप्रत्याशित घटना की कल्पना कर रहे थे। रह रहकर दोनों का कलेजा धड़क जाता था और वे अपने निर्णय पर शकपका जाते थे। वास्तव में हुआ भी अप्रत्याशित ही। हाथों की मेहंदी छूटी नहीं थी कि ऋचा ने कमर कसकर घर के कामों में जुट गई। झाड़ू लगाना और बर्तन मांजने जैसा काम उसने अपने मायके में कभी नहीं किए थे, पर यहाँ वह बिना संकोच के सभी काम करती थी। मोहल्ले वालों ने पैतरा बदला, अब उन्होंने कहना शुरू किया, गाँवने वाली बहू से ही चौका बर्तन झाड़ू बहारू शुरू करा दी है, 4 दिन तो बेचारी को चैन से बैठने दिया होता। सास ने काम का बंटवारा कर लेने पर जोर दिया, पर ऋचा नहीं मानी। उसे घर की आर्थिक स्थिति का भी
पूरा ध्यान था। इसलिए जब हेमा एक दिन घर का काम करने के लिए किसी नौकरानी को पकड़ लाई तो ऋचा इस शर्त पर उसे रखने को तैयार हुई कि सोनाली की ट्यूशन की छुट्टी कर दी जाए, वह उसे स्वयं पढ़ाएगी। सोनाली हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी। छमाही परीक्षा में वह अंग्रेजी और मैथ में फेल हो गई थी, सो विनोद ने उसे घर में पढ़ाने के लिए एक सस्ता सा मास्टर रख दिया था। मास्टर केवल बीए पास था और पढ़ाते समय उसकी कई गलतियां खुद ऋचा ने महसूस की थी। 1000 रुपये का ट्यूशन छुड़ा कर नौकरानी को 600 रुपये देना महंगा सौदा भी नहीं था। ऋचा के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि सोनाली भी खुश थी। 1 महीने में ही सोनाली की गिनती क्लास की अच्छी लड़कियों में होने लगी। जब सहेलियों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने भाभी की भरी पूरी प्रशंसा की। थोड़े ही दिनों में मोहल्ले की कई लड़कियों ने ऋचा से ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। हेमा को पहले तो कुछ संकोच हुआ, पर बढ़ती हुई महंगाई में घर आती लक्ष्मी लौटाने को मन नहीं हुआ। सोचा बहू का हाथ खर्च ही निकल आएगा, विनोद की बधी बधाई तनख्वाह में कहां तक काम चलता। गर्मी की छुट्टियों में ट्यूशन बंद हो गए। इन दिनों विनोद अपनी छुट्टी के बाद प्रेस में 3 घंटे हिंदी के प्रूफ देखता रहता था। एक रात ऋचा ने उससे कहा कि वह प्रूफ घर लेकर आया करे और सुबह जाते समय ले जाया करे, कोई जरूरी काम हो तो रात को घूमते हुए जाकर वहां दे आए। विनोद पहले तो केवल हिंदी के ही प्रूफ देखता था, अब वह ऋचा के कारण अंग्रेजी के प्रूफ भी देखने लगा। ऋचा की प्रूफ रीडिंग इतनी अच्छी थी कि कुछ ही दिनों में स्थिति यहां तक आ पहुंची कि प्रेस का चपरासी दिन या रात किसी भी समय प्रूफ देने आ जाता। अब पर्याप्त आय होने लगी। सोनाली हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में पास हुई तो सारे स्कूल में धूम मच गई। स्कूल में जब यह रहस्य प्रकट हुआ कि इसका सारा श्रेय उसकी भाभी को है, तो प्रधानाध्यापिका ने अगले ही दिन ऋचा को बुलावा भेजा। एक अध्यापिका का स्थान रिक्त था। प्राध्यापिका ने ऋचा को सलाह दी कि वह उस पद के लिए प्रार्थना पत्र भेज दे। 10 दिनों के बाद उस पद पर ऋचा की नियुक्ति हो गई। ऋचा जब नियुक्ति पत्र लेकर घर पहुंची तो उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। ऋचा अब दिन में स्कूल की नौकरी करती और रात को प्रूफ पढ़ती। घर की आर्थिक दशा सुधर रही थी, पर विनोद स्वयं को अभी भी बौना महसूस करता था। प्यार के नाम पर ऋचा उसकी श्रद्धा ही प्राप्त कर रही थी। एक रात जब विनोद हिंदी के प्रूफ पढ़ रहा था तो ऋचा ने बड़ी विनम्रता से कहा, सुनो। विनोद का हृदय धक धक करने लगा। अब आप यह प्रूफ संशोधन छोड़ दें, पैसे की तंगी तो अब नहीं है। विनोद ने सोचा, गए काम से उसके हृदय में उथल पुथल मच गई। संयत होकर बोला, अब तो आदत बन गई है, बिना पढ़े रात को नींद नहीं आती। ऋचा ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो कह रही हूँ। सोनाली की इंटर की पढ़ाई के लिए सारी किताबें खरीदी जा चुकी हैं, आप प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में इंटर का फॉर्म भर दें। विनोद का चेहरा अनायास ही लाल हो गया। उसने असमर्थता जताते हुए कहा, इतने साल पढ़ाई छोड़े हो गए हैं, अब पढ़ने में मन कहाँ लगेगा। ऋचा ने उसके निकट खिसक कर कहा, पढ़ते तो अब भी हैं आप, 3 घंटे प्रूफ की जगह पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ लेने से बेड़ा पार हो जाएगा, कठिन कुछ भी नहीं है। विनोद 3-4 दिनों तक परेशान रहा, फिर उसने फॉर्म भर ही दिया। पहले तो पढ़ने में मन नहीं लगा, पर ऋचा प्रत्येक विषय को इतना सरल बना देती कि विनोद का खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। साथ ही ताना देते, कोई कोई उससे कहता कि वह तो पूरी तरह जोरू का गुलाम हो गया है, यही तो दिन है मौज मस्ती के, पर विनोद सुनी अनसुनी कर देता। इंटर द्वितीय श्रेणी में पास कर लेने के बाद तो उसने स्वयं ही कॉलेज की संध्या कक्षाओं में बीए में प्रवेश ले लिया। बीए में उसकी प्रथम श्रेणी केवल 5 नंबरों से रह गई। हेमा की समझ में नहीं आता था कि बहू ने सारे घर पर जाने क्या जादू कर दिया है। विनोद के पिता हार गए, पर वह पढ़ने में सदा फिसड्डी रहा, अब इसकी अक्ल वाली दाढ़ी निकली है। बीए के बाद विनोद ने एमए हिंदी में प्रवेश लिया।
इस प्रकार अब तक पढ़ाई में रिचा से जो सहायता मिल जाती थी उससे वह वंचित हो गया, पर अब उसमें पर्याप्त आत्मविश्वास जाग चुका था। वह पढ़ने की तकनीक जान गया था। रिचा भी यही चाहती थी कि वह हिंदी में MA करे, अन्यथा उसकी हीनता की भावना दूर नहीं होगी। अपने बूते पर MA करने पर उसका स्वयं में विश्वास बढ़ेगा, वह स्वयं को कम महसूस नहीं करेगा। वही हुआ। समाचार पत्र में अपना MA का परिणाम देखकर विनोद भागा भागा घर आया तो माँ आराम कर रही थी। सोनाली किसी सहेली के घर गई हुई थी। छुट्टी का दिन था। रिचा घर की सफाई कर रही थी। विनोद ने समाचार पत्र उसकी ओर फेंकते हुए कहा, प्रथम श्रेणी द्वितीय स्थान। और इससे पहले कि रिचा समाचार पत्र उठाकर परीक्षा फल देखती, विनोद ने आगे बढ़कर उसे दोनों हाथों में उठा लिया और खुशी से कमरे में नाचने लगा। उसकी हीनता की ग्रंथि चरमरा कर टूट चुकी थी। आज वह स्वयं को किसी से कम महसूस नहीं कर रहा था। विश्वविद्यालय में उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यह गर्व उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। रिचा का चेहरा पहले प्रसन्नता से खिला, फिर लज्जा से लाल हो गया। आज पहली बार बिना मांगे उसे पति का संपूर्ण प्यार प्राप्त हुआ था। इस अधिकार की वह कितने दिनों से कामना कर रही थी। विवाह के दिन से ही अपनी इस उपलब्धि पर उसकी आंखों में खुशी का सागर उमड़ पड़ा और इस तरह विनोद और रिचा की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।